सुबह सुबह स्कूल जा रही हो हाँ? So, hey fam, what's up? कैसे हो आप सब? सुबह वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह के बज रहे हैं 7। मैं जरा काम कर रहा था, मैशा वगैरह बनाना था, मैं आज रिकॉर्ड करना है तो वो मैं खुद बनाता हूँ। तो वो बना के अब मैं फ्री हुआ हूँ, अब मैं जा रहा हूँ सोने। तबीयत थोड़ी सी सेट नहीं है, खैर है कोई बात नहीं, वो मैं मैनेज कर लूंगा। तो हम सुबह उठ के मिलते हैं। मॉर्निंग हमारी हो चुकी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कितनी गर्मी किस बात की हो रही है यार, बहुत गर्मी हो रही है, बुखार अलग हो रहा है और गर्मी अलग हो रही है। मैं तो समझ नहीं आ रहा, अजीब सा हो रहा है। मैं तबीयत भी अभी सही नहीं हुई, सो के उठता हूँ फिर वैसी हो जाती है, नजर लगी हुई एक तो सदका देना। चलो खैर अभी चलते हैं, सबसे पहले तो नाश्ता वगैरह करना, और मुझे वीकनेस भी हो गई है कि मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। चलो चलते हैं कुछ खाते पीते, आज वीकनेस हो बिल्कुल खत्म कर देंगे, खत्म। सो टाइम है अभी नाश्ते का। नाश्ते में हमारे पास आज ये कीमा है और ये रोटी है। भूख मुझे बहुत लग रही है, पिछले 3 दिन से मुझे भूख बहुत लग रही है। मसला पता है क्या आ रहा है, मेरा दिल नहीं चाह रहा खाने का। कभी होता है कि थोड़ा सा खाए और पेट भर गया, ये तो मैगी भी चल रहा है भाई। गर्मी क्यों हो रही है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। हाँ मैंने पंखा बन गया भाई। अब्बास बेटा चलो जल्दी से चुपचाप से खाना खाते हैं, आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे, पैसा खर्च करेंगे। नहीं खाया जरा वाकई में, बस ये थोड़ा सा खाया मैंने, मेरा इसको पूरा हो गया। चलो खैर चलते हैं ऊपर, जरा पिज्जा को देखते हैं। सुबह से मुझे बहुत ज्यादा सुस्ती हो रही है, मैं गया बाहर, मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। बंदा थोड़ा सा खेलता कूदता है खुद ही अपने आप सेट हो जाता है, वही किया कि मैं गया बाहर, मैंने क्रिकेट वगैरह खेला। और मैंने जैसे आपको बोला था कि फिजा से मिलेंगे, फिजा मुझे यहाँ खड़ी थी मिली। यहाँ तुम क्या कर रही हो? अभी नमाज पढ़ूंगी। हाँ मगरिब होगा ये पीछे देख के, जाओ नमाज पढ़ो। तुम कुछ खाना है? तुमने भूख लग रही है, मैंने सुबह से खाया। मैं बना के देता हूँ तुम्हारे लिए, रोल बना रहा हूँ, तुम बस नमाज पढ़ो जल्दी से, तुम्हारे लिए नीचे रोल बना रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। खाने अरे जो भी अच्छा बनेगा आ जाओ। दम हो गया हमारे पर, मम्मा ने दम कर दिया, नमाज पढ़ के आगे दम कर दिया। नया नया सामान निकाल लिया भाई, हमने अपनी मम्मा को बोला था ना कि नया सामान निकाल, लोग में अच्छा नहीं लगता, लोग फिर बोलते इतनी पुरानी कढ़ाई। अच्छा टैग भी कट रहे हैं, सारा सामान निकाल स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ मैं क्या बना रहा हूँ, भूख लग रही थी थोड़ी सी तो तभी बना रहा हूँ, वरना दिल नहीं था मेरा। ये भी है भाई, हाय 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 हाय। एक तो पता नहीं कौन कौन आ जाता है। कौन? अबे यार तुम्हें भी सुकून नहीं है, क्यों सुकून नहीं है तुम्हें यार? सुकून बिल्कुल भी नहीं है, बंदा कोई काम कर रहा है, काज कर रहा है, पीछे से बजा जा। आंटी किधर जा रही हो यार? अच्छा ये कोई तरीका नहीं होता यार। तो भाई कैसे बताएं और आप आते ही नहीं है बाहर, जैमिंग नहीं हो गई, अजाब हो गई। बंदा कुछ कुकिंग कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। आप कुकिंग आप भी करते हैं? बड़ी बात, चलो आ जाओ बैठ जाओ, तुम्हें भी खिलाते हैं। रमजानों के लिए सामान आया था, मैंने अभी खोल लिया क्योंकि मुझे दिलचस्पी है इसमें बहुत ज्यादा ही। ये हमारे पास क्या है? ये तो नगेट्स, और ये है हमारे पास पॉपकॉर्न चिकन। पॉपकॉर्न चिकन ये वाले चाहिए मुझे। मैं ना असल में रोल बनाऊंगा तो ये प्लेन पराठा है, एक पराठा फ्राई करेंगे, उसमें पॉपकॉर्न चिकन डालेंगे, उसमें केचप मायनीज डाल के हमारा रोल हो जाएगा भाई तैयार। वाह क्या सीन है, रोल बड़ा मजे का बनेगा, भरोसा रखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम ये फ्राई करते हैं। तो जी बनाने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं, सबसे पहले हमें डालना है एक अदद ऑयल। ऑयल हम इसमें ऐसे डालेंगे, जाया भी होता है ना ऑयल, पैसों का आता है फ्री का नहीं आता। तो टारगेट जो है अभी मेरा वो है 3 रोल बनाने मुझे फटाफट से। गर्म होता है इसको पहले हम ऐसे ना चिपकाना पड़ता है, वेट कर लेते हैं, खुद ही निकल आएगा। अच्छा मसला ये भी है कि पैन भी नया है तो नई सास और नई बहू थोड़ा सा एडजस्ट करने में मसला बनेगा। ये हमारा पराठा अभी बन रहा है, पराठा बने फिर हम पॉपकॉर्न वगैरह फ्राई करते हैं, तो फिर हम अपना रोल भी बनाते हैं जल्दी जल्दी, भूख बहुत लग रही है यार। ये भाई आपका पराठा बना रहा है यार, क्या मतलब हल्का ले तो मेरे को, ये लो आपका। ये देखो आता है मुझे, मुझे बोलती है कि तुम्हें पराठे बनाने नहीं आते, इसको डॉन के पराठे उसको बनाने नहीं आते, उसने मुझसे पूछी कैसे बनाते, पहले मुझसे पूछिए मैगी कैसे बनाते हैं। ये देखो ऐसे बनाते हैं इसको ऐसे, फिर उसके बाद इसको हम यूं पलटते रहते हैं। हम ऑयल चेक करते हैं कि हाँ भाई ये गर्म हो गया, एक साइड ही हमारा पराठा बन रहा है, जले ना इसका भी खास ख्याल रखना है। आ गई मेरी मुल्लानी चलेगा। हाय 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 बाजी, आपके रोल कितने? 150 कर दे। 150 रोल खाएंगे आप? एक रोल भी नहीं आपके लिए। ये कहाँ रखना है पराठा, कहाँ रखना है? प्लेट में रख दिया हमने पहला पराठा और दूसरा, अरे वो हमारे पॉपकॉर्न भी जल रहे हैं, इसके लिए कोई चमचा वगैरह है? कहाँ है इसका फ्रायर व्रायर कहाँ है? नहीं भाई हमारे घर में फ्रायर नहीं मिल रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है, चीजें कर लूंगा मैं। फिर छोड़ दो ऊपर वाले किचन में होनी है, मैं चीजें कर लूंगा, और मोहल्ले वालों को भी ला के डाल दे इसमें हम थोड़े। भाई पूरा भर दिया ये तो, सब भाजी फ्राई हो जाएगा यहाँ पे। घर वालों से पूछ के आओ आपके कुछ फ्राई होने का है तो वो भी दे दे। लाए चिमटा पराठा मेरा, की बिल्ली ने किसको मार दिया? दोस्त की बिल्ली ने मार दिया उसको। परेशान आ गया हूँ मैं कुछ आजकल, रमजानों में तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। खाएंगे सारे
बेटा मैं ही करता हूँ सारे काम रमजानों के, आपको पता नहीं है, भूल गई आप तो कुछ नहीं करती, आप सिर्फ टैंग बनाती है टैंग। हेलो यार ये बस निकालना शुरू करे, अम्मा कोई प्लेट दे दे, ये होगा ये जल रहे हैं, उससे ज्यादा जानती हैं आप। अम्मा ये देखे पक गए पूरे, कहाँ जाएगी, फ्रायर होता ना अम्मा सही से इसमें से ऑयल भी निकल जाता। बाकी अभी हो रहे हैं अच्छा, ये वाले बाकी हो रहे हैं, हम यहाँ से पराठा, पराठा भी हो गया भाई लाओ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तीसरा पराठा भी दो जल्दी। आप ये नहीं बोलना कि भाई को कुछ आता नहीं है, भाई को सब आता है। वाह मम्मा आपने ये क्या डाल दिया, आपका पराठा भी हमने डाल दिया, अब इसको थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं, हम इस पे फोकस रखते हैं, इस पे फोकस रखते हैं। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, ऑयल से थोड़ा सा एहतियात किया करें, ये छींटे बड़ी खतरनाक होती है। क्या हुआ था, मैंने बताया तो था बल्कि आपको मेरे पर छींटे आ गई थी थोड़ी देर पहले, क्या एक बार मेरे हाथ पे आई थी ये निशान। पराठे का क्या हाल है, बल्कि पराठा भी छोड़ दो पराठे का, कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बात होती है। भाई माइनिस के साथ ये क्या है, रेसिपीज रमजान के लिए, क्या आप एक्साइटेड है रमजानों के लिए, रमजानों में व्लॉग बनाने में बड़ा मजा आएगा, सुबह सहरी भी करेंगे इफ्तारी भी करेंगे, मजा आएगा। मैं तुम लोग को रोज खाने खिलाऊंगा। इस बार रमजान की सबसे बुरी बात यह है कि इस बार मैंगो नहीं आएंगे। अरे भाई हमारे पराठे को क्या हो गया, अरे है बनने वाला है भाई, तो यहाँ क्या सीन चल रहा है, यहाँ भी सब हो गया, बस हमारा लास्ट पराठा था, अब बस रहेगा चिकन पॉपकॉर्न, इसको निकाल के टॉपिंग शॉपिंग करके ना सर्व क्या करते, खाते हैं पहले। चलो भाई जल्दी जल्दी, इनका टाइम आ गया, हमारे पराठे, ये पराठों के अंदर डालने के लिए चिकन वगैरह और ये केचप मायनीज। सो बस जल्दी से अपने रोल वगैरह रेडी करते हैं और खाते हैं पराठा। इस पर हमने ऐसे करके बोटी रखनी है पहले, तो एक दो तीन चार इनफ है, बारबेक्यू स्प्रेड है हमारे पास, ये थोड़ी थोड़ी डालेंगे सब पे, ज्यादा नहीं क्योंकि स्पाइसी होती है। घर काम तो करना पड़ता है, शादी शुदा करना, करिए मेरी अम्मा सुन रही है, तो उनसे भी दरख्वास्त है कि उस बात पे अमल करें, जल्द से जल्द इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। घर में इस पर डलेगी केचप, ये पता है क्या करेंगे, ऐसे करके रोल कर देंगे और खत्म कर देंगे। चलो बस, चलो जी खाना बना दिया मैंने, चलो आओ तुम्हें खिलाऊंगा अपने हाथ का खाना, कैसा बनाया मैंने। और तुम कब आए, अभी अभी ऑफिस से आ रहे हो? नहीं जहन्नम से आ रहा हूँ सीधा। गर्मी मैंने सुना आजकल बहुत हो रही है यार, सलाम है तुम्हें और तुम्हें दोनों को यार। मैं तो घर में तबीयत खराब थी लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, चलो आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, हो आ जाओ, रहा नहीं जाता। वाह भाई खाना अपने हाथ से बनाया, आगे देखो नाम आ जाए भाई को, सब्सक्राइब कर दे, उठाओ तुम्हारा ये वाला है, आगे बताओ टेस्ट करके बताओ कैसा है, जल्दी झूठ नहीं बोलना, मैं पहली बता रहा हूँ, तुमने बाकी तुम ही ने बनाया, व्लॉग देख लेना यार, क्या मतलब बाकी तुम ही ने बनाया क्या मतलब, सही 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 सही, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या, मुझे तो बोलो भाई, सच बोल रहा हूँ, अच्छा बनाया। तो खाओ तुम कोल्ड ड्रिंक, अरे कोल्ड ड्रिंक से जुगाड़ लेने क्या बात है, नहीं क्या मतलब मेरा हक नहीं है खाने का, रुक जाओ। वाह सही वाह, क्या बात है, एक बार और खाऊंगा। जल्दी से हम चुपचाप खाते हैं, वहां से कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो उसका रिएक्शन लेते हैं। आ गई भाई कोल्ड ड्रिंक भी आ गई, तुमने इतनी देर लगा दी, अच्छा खाने भी शुरू कर दे, जल्दी बताओ कैसे खा के, बेकार उसने बनाया, वो आदमी ही बेकार है और ये रोल भी बेकार है, जो खा रहा है वो उससे बड़ा बेकार है, अरे मुंह पे डंडे मारूंगा डंडे, याद नहीं है कितना पिटे थे, वापिस दे दो नहीं खाना, तो लाओ खाने की चीज को नहीं बोल, ऐसे लोग होते हैं जिनको मुंह नहीं लगाना चाहिए, इनको रखना चाहिए बाहर गेट पे, अजी एक रुपया दे दे। यहाँ पे गाने चल रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है क्योंकि हमें आज फिर से वीडियो शूट करनी है, रात में पता है लेट होंगे। सबसे पहले चलते हैं बाबा की शॉप पे, बाबा के पास जाके बोलते हैं कि हमारे बाल बाल सेट करता है कि नहीं, वो बोलेगा नहीं तो हो गया ना फैसला, इन सारा ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, बस जाके बाल बाल कटवाते हैं, दाढ़ी वाड़ी सेट करवाते हैं, फिर मिलते हैं। हेलो जनाब आपके कैसे हैं आप, जब तक वो भाई अंदर कटिंग कर रहे थे किसी, मैंने बोला भाई को भाई आप जब तक मेरी दाढ़ी बना दो, फिर कटिंग हम बाद में करवाते हैं, दाढ़ी वगैरह हमारी बन गई है बड़े भाई, अब जल्दी से आप बाल काट दो, टाइम बिल्कुल नहीं है, मैंने जाना है हमराज की वीडियो शूट करना, आप हमराज को सुन रहे हो, देखा आपने खतरनाक। अच्छा ये भाई बोलते काम है, एक्सप्रेशन ज्यादा देते हैं, ये बोल रहा है भाई अपना चेहरे की क्या हालत की हुई है, क्या कर रहे हो, मैं तो ये कैसे बताऊँ की मैं व्लॉगिंग में इतना मसरूफ हूँ की मुझे अपने आप के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा, ये जरा फेशियल वगैरह करा रहे फिर बाल कटवाते हैं जी, तो बाल वगैरह भी कट गए, फेस वगैरह भी फ्रेश हो गया, अब हमें अमराज की शूट पे जाना, लेकिन उससे पहले अभी सीधा घर जाना है, आना है कपड़े वपड़े चेंज करने है, फिर जाना है, बीमार हूँ माना ठीक है लेकिन जरूरी है, बीमारी में मैंने बोला थोड़ा सा शायद लुक चेंज करा, शायद बेहतर हो जाता है, तो होता है ना बंदा अपने आपको देख देख भी अजीब सा होने लगा, तो खैर अब सीधा चलते हैं घर। हेलो भाई यहाँ से पार्टी करने थोड़ी बैठे हुए, खैरियत तो है, पता नहीं क्या हो गया दोनों को, घर आ गया हूँ मैं, मैंने सोचा फिजा को दिखाऊंगा अपने बाल, लेकिन फिजा तो सोई पड़ी है, अब ये करते हैं कि जल्दी से चलते हैं नहाने, इसको क्या हो गया, किस तरह खा रहे हो लूसी, क्या हो गया है तुमको, जल्दी से कपड़े वपड़े निकालते हैं फिर चलते हैं नहाने, फिर नहा के फौरन निकलते हैं फटाफट से, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो।
बहुत गर्मी चल रही है भाई आजकल। यहाँ के इतना सुकून मिला है ना कि क्या बताऊं। सो गाइस रेडी हो गए, टाइम बहुत शॉर्ट है, जल्दी से निकलते हैं अपने शूट पे। और मजे की बात मैं बताता चलूं, रमजान से पहले वाले जो हमारे मैशअप्स हैं गानों के, तो वो ये लास्ट होगा जो हम कल पोस्ट करेंगे। फिर हम लोग चांद रात से कुछ नया करेंगे, यानी उसके लिए स्टे ट्यून्ड। तो ऐसी चीज है ना, हर बंदा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएगा। हो गई बात, लिख लो भाई से। तो भाई हो गया हमारा सारा शूट डन, मतलब सीधा जाना है घर। घर जाके बोलेंगे मम्मी को खाना देती है कि नहीं, वो बोलेंगी नहीं, तो हो गया ना फैसला। चलो भाई चले। एक जिंगर, वो मायो रोल, एक चटनी रोल, डन करो ले आओ। तो भाई ये जिंगर तो मेरा है, ठीक है, ये रोल इन लोग के। तो बस जल्दी से चुपचाप अब खाना खाते हैं, फिर खाने के बाद हम सीधा चलते हैं घर। और मुझे घर आते ही करनी थी एडिटिंग, तो 4 घंटे मुझे उसमें लग गए। अब बज गए सुबह के 7 और ये मेरे सोने का टाइम हो चुका है, मैं काफी थक चुका हूँ। और हमराज वाली वीडियो 7 बजे तक पोस्ट हो जाएगी। भाई खतरनाक भाई ने मैशअप बनाया है। तो खैर इस व्लॉग को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, सब्सक्राइब का बटन भी दबाएं और यूट्यूब को डिलीट नहीं करेगा। मैं क्या करूंगा फिर, लाइक करो।